आप आए दिन ये सुनते होंगे कि इस शहर में नाले की सफाई के दौरान दो सफाई कर्मियों की मौत हो गई और मौत हुई है जहरीली गैस की वजह से और इसको लेकर काफी प्रदर्शन भी होते रहे हैं। इस बीच असम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गुवाहाटी विकास विभाग के मंत्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने शहर की पहली मेनहोल सफाई रोबोट का उद्घाटन किया ताकि सीवरों की सफाई के लिए न्यूनतम मानव भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। मेनहोल की सफाई करने वाला रोबोट पाने वाला गुवाहाटी पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला क्षेत्र है। इसको लेकर मंत्री जी ने क्या कुछ कहा, देखिए। टुडे वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ए रोबोटिक मैकेनिज्म फॉर रिमूवल ऑफ स्लज फ्रॉम अंडरग्राउंड ड्रेन्स। दिस इक्विपमेंट हैज बीन गिवन टू अस अंडर CSR स्कीम बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। आई एम सो थैंकफुल टू देम। Apart from that, we have also purchased a few bobcats, smaller cleaning vehicles, and also some JCBs, so that we can keep the streets of Guwahati clean.